तो अभी सुबह के लगभग 5:15 हो रहे हैं और आज साइकिलिंग का प्रोग्राम बना था। रात में अचानक हमारे मेरे एक छोटा सा हम लोग का एक ग्रुप है, साइकिलिंग करने जाते हैं हम लोग। और आज कल रात में प्रोग्राम बना अचानक कि सुबह चलना है, तो चलिए तैयार होते हैं, चलते हैं फिर। मैं बस रेडी हो गया हूँ, साइकिल निकाल रहा हूँ अपने गैरेज से और आज टाइमिंग मैच करते हैं। ये मेरे स्पीडोमीटर को मैंने 0 कर लिया है, और अपने स्टॉप वॉच को भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर दोनों का मैच करते हैं कितना एक्यूरेसी है दोनों के बीच में। दो तीन लोगों ने धोखा दे दिया और एक दो लोगों को ही निकल गए अकेले, तो हम दो लोग जा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त ओम जा रहा है। मदन महल के किले में आए हैं, ऊपर तो खैर नहीं जा पाएंगे, काफ़ी ऊपर आए, ऊंचाई में है वो, बहुत ऊंचाई में है, और हमें अपनी साइकिल नीचे रख के जानी पड़ेगी जो फ़िलहाल अभी सेफ़ नहीं है। तो हम किले पे नहीं जाएंगे ऊपर, और यहाँ एक बैलेंसिंग रॉक है, शायद सुना होगा आप लोगों ने, काफ़ी फेमस है वो भी, अभी देखते हैं। अभी तो बहुत ऊँचाई पर है, साइकिल चलाने वाला ख़राब हो गई हम लोगों की। पहले तो ऊपर जाने का हमारा मन नहीं था, हिम्मत नहीं थी इतनी साइकिल ऊपर बहुत ऊंचाई पे है साइकिल चला के आने में। फिर अचानक हमारा मूड बना, मेरे दोस्त ने बोला कि चलो चलते हैं, यहाँ से दूर आया थोड़ा सा हिम्मत करके, तुमको थोड़ा ऊपर जाना है, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के काफ़ी ऊपर जाना है, काफ़ी ऊँचाई पर है ये किला, मदन महल का किला के नाम से फेमस है ये। रानी दुर्गावती थी ना यहाँ पे, रानी दुर्गावती का किला था ये। यहाँ से बोलते हैं कि यहाँ से मंडला दिखता था डायरेक्ट, यहाँ से नहीं ये अपडेट है, सॉरी, मंडला नहीं दिखता था यहाँ से। अभी एक भाई साहब जा रहे थे, बोले कि नहीं भैया मंडला नहीं दिखता है, अफवाह है, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। हालत खराब हो गई ऊपर चढ़ने में। ये है यहाँ का किला, मेरे ख्याल से ये एंट्रेंस होगा, गेट होगा, मेन गेट शायद एंटर करने का। आइए अंदर जाके देखते हैं। अंदर सोच आया था कि गेट है, पर वो गेट अंदर से बंद करके रखा है यहाँ पे, पुरातत्व विभाग वालों के अंडर में है ये, इस वजह से शायद बंद कर दिया है इस गेट को, अंदर जाने का है नहीं। चलिए कोई नहीं, बाहर ही घूमते हैं, बाहर देखते हैं थोड़ा बहुत, चलते हैं। ये देखिए पीछे का नज़ारा, हालांकि मैंने सोचा था काफ़ी बड़ा किला होगा अंदर, पर ज़्यादा बड़ा किला नहीं है, कोई बात नहीं, किला तो किला है, छोटा हो चाहे बड़ा। इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऊपर से इतना खूबसूरत दिखता होगा, यहाँ से पूरी चारों ओर हरियाली इतनी ऊंचाई पे, किला।
आ गए हैं बैलेंसिंग रॉक पे, जबलपुर का आपने नाम सुना होगा, बहुत कई जगह पे आपने सुना होगा बैलेंसिंग रॉक। और आइए देखते हैं, मैं भी पहली बार आया हूँ। ये देखिए जबलपुर का बैलेंसिंग रॉक, बहुत नाम सुना था इसका, आज पहली बार देखा। सही में यार तो बहुत भयंकर है। यार अपने ऊपर गिर गया अगर नीचे देखते देखते के चक्कर में, क्यों नीचे नीचे से देखने के चक्कर में अगर गिर गया अपने ऊपर। चलिए बारिश हो रही है, अब अंदर रख देता हूँ मोबाइल को। गया हमारा बैलेंसिंग रॉक, चला जाए अब क्योंकि बारिश हो गई तेज और मोबाइल हो जाएगा ख़राब। मोबाइल को रखा जाता है जेब में और फिर चला जाता है। मिलते हैं आपसे आगे जल्दी। बारिश होने लगी रास्ते में, सोचे थे कहीं रुक जाएंगे पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मजबूरन भीगते हुए आना पड़ा। ऐसे टाइम में ऐसे भीगना ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी थी, क्या करें। बहुत शूज बाहर रख देता हूँ, पूरे कपड़े गीले हो गए। चेंज कर लेता हूँ फटाफट, थोड़ा बाल वाल सुखा लूँ, नहा लूँ। अभी बढ़िया नहा धो के रेडी हो गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ एकदम, और कॉफ़ी बनाई है गर्मा गर्म, थोड़ा कॉफ़ी पीता हूँ। थोड़ा गर्माहट जरूरी है क्योंकि भींग गया था बारिश में, थोड़ा भींग गया था, थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा भींग गया था। उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, फिर तैयारी ऑफिस की, बाकी चीज़ों की। आता हूँ कि कितना मैंने आज साइकिलिंग करी है, आज चेक करते हैं ज़रा मेरी वॉच में। हालाँकि जाते टाइम सुबह मैंने सोचा था कि मैं अपने स्टॉप वॉच से और अपने जो मेरे अंदर मेरे साइकिल में जो स्पीडोमीटर लगा है, मैं सोचा दोनों को कंपेयर करता हूँ और फिर देखते हैं कि कितना एक्यूरेसी है दोनों में इसमें, क्योंकि ये जीपीएस से कनेक्टेड है, वॉच जो है जीपीएस से कनेक्टेड है, और जो साइकिल का जो मेरा स्पीडोमीटर है वो उसके व्हील से कनेक्ट है, मतलब वो व्हील जितना चलेगा उस हिसाब से वो बताता है। वैसे हालांकि वो थोड़ा सा 200-300 मीटर वो थोड़ा ज़्यादा बताता है, और ये वैसे जीपीएस से कनेक्ट है यानी कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और अभी बारिश तेज हो रही थी इस वजह से मैं उसको देख नहीं पाया, क्योंकि मोबाइल मैंने अपने एक पॉलीथीन में मैंने उसको रैप करके मैंने अपने जेब में रख लिया था, तो निकाल नहीं पाया। अभी इसमें घड़ी में देखता हूँ कितना साइकिलिंग करी है आज, और फिर उसको देखता हूँ बाद में जाके देखूँगा, दोनों को चेक करूँगा, फिर देखते हैं कितना दोनों में डिफरेंस है। ये दिखा रहा है जीपीएस का जो रूट है उस हिसाब से दिखा रहा है, ड्यूरेशन 52.55, मतलब एक घंटा से थोड़ा कम लगा। हालांकि हम लोग को साइकिलिंग में आने जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ जो वीडियो बनाया और वहाँ जो मैंने फ़ोटो वोटो खींचा, हमने देखा ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, और मैं पॉज करना भूल गया था अपने वॉच को, तो वो जो टाइम था उसने भी काउंट कर लिया, इसने और लगभग डिस्टेंस था हमारा, देखिए 15.83 किलोमीटर, बहुत कम डिस्टेंस था। हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, बस टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि हम लोग सब चीज़ों में हार्ट रेट कंजप्शन 466 किलो कैलरी हमने बर्न किया मैंने, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा थी, डिस्टेंस कम था पर चढ़ाई ज़्यादा थी, इस वजह से हालत ख़राब हो गई बिल्कुल। मतलब एक मोमेंट तो ये आ गया कि बिल्कुल उतरने की नौबत आ गई साइकिल से, पर बोला नहीं नहीं बाबा उतरना नहीं है किसी तरह भी, उसको बिल्कुल चढ़ाना है साइकिल। टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का, कुछ बनाया जाए खाने के लिए। सोचा था पहले उपमा बनाऊंगा, पर
जो सूजी है उसमें छोटे छोटे कीड़े कीड़े टाइप दिख रहे हैं, तो उसको भी कैंसिल करते हैं। अब पोहा बनाता हूँ, पोहा रखा हुआ, थोड़ा सा जल्दी बन जाता है पोहा भी, देखता हूँ। तो ये बन गया है मेरा पोहा और बॉइल्ड एग। पोहे में मैंने डाला है मूंगफली, ऊपर से थोड़ा सा ये सेव और बॉइल्ड एग। अब खा के बताता हूँ कैसा बना है, मुझे लग देखने में तो अच्छा लग रहा है। वाह, मज़ा आ गया, उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा पोहा बना सकता हूँ। क्या बात है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी ब्रेकफास्ट करें, खाना खाएं, कोशिश करें कि हम बैलेंस डाइट लें। देखिए जैसे कि पोहा है, इसमें कार्ब्स हो गया, मूंगफली में फैट हो गया, गुड फैट हो गया, थोड़ा सा प्रोटीन हो गया, एग में प्रोटीन हो गया, और एग योक में फैट हो गया, गुड फैट हो गया। तो इसमें प्रोटीन और कार्ब्स और फैट, इसका प्रॉपर बैलेंस है। कोशिश करिए कि जब भी खाना खाएं, जब भी नाश्ता करें, जो भी खाएं, कोशिश करिए एटलीस्ट कि थोड़ा बैलेंस्ड में खाएं, थोड़ा कार्ब्स कम लें, मीठा कम खाएं, ज़्यादा नमक ना खाएं, क्योंकि आज के टाइम में फिटनेस सबसे ज़रूरी है। फिटनेस हमें सिर्फ दौड़ने से, भागने से और सब चीज़ों से सिर्फ फिटनेस नहीं आती है, हम क्या प्रॉपर खा रहे हैं, प्रॉपर हम क्या डाइट ले रहे हैं, वो सबसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हम प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर रूटीन हमारा, इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, और वही आज के टाइम ज़रूरी है। फिटनेस से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है, चाहे कितना पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, पर अगर आप फिट नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप सारे पैसे, सारी चीज़ें आपकी वेस्ट हैं, कोई काम की नहीं है। तो कोशिश करिए, फिट रहिए। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपने और प्यार दें, और हाँ कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे को और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, मेरे अपने वीडियोस में और क्या अच्छा करना है मुझे, मैं और अपने अंदर कैसे सुधार ला सकूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएँ ताकि मैं और अच्छी वीडियोस ला सकूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने देश का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।